तो दोस्तों दिवाली की सफाई कर कर के आपकी स्किन हो गई होगी एकदम से बेकार। तो आज जो मैं फेस पैक लेकर के आई हूँ ये आपकी स्किन को इंस्टेंट वाइटन ब्राइटन और लाइटन करेगा। दिवाली में आपकी स्किन है ना एकदम मतलब कि दिया और बाती जो होता है ना वैसा ग्लो करने वाला है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है आपको 1 स्पून राइस, मतलब कुक्ड राइस लेना है, और साथ ही साथ राइस वाटर भी लेना है, यानी कि चावल और चावल का पानी आपको दोनों लेना है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है, वो ऐड करना है आपको ग्रीन टी। ठीक है, आप जो ये जो ग्रीन टी होता है ना इसमें बहुत टाइप के ग्रीन टी होते हैं, तो आपको लेमन और लेमन वाला जो होता है ना, लेमन एंड हनी वाला, वो ग्रीन टी लेते हो तो बहुत बेहतरीन होता है। तो एक ग्रीन टी का पैकेट लेना है आपको, वो जो ग्राइंड आपने किया है ना कुक्ड राइस और कुक्ड राइस वाटर के साथ, उसके अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है हनी, और हनी आपको 1 स्पून के करीब में ऐड कर देना है। दोस्तों क्या है, हनी हमारी स्किन को वाइटन ब्राइटन लाइटन करता है, साथ ही साथ हमारे चेहरे के फाइन लाइन रिंकल्स को दूर करता है, और ग्रीन टी आपको हमेशा आपकी उम्र से 10 साल तक जवा रखता है, और राइस कुक्ड राइस तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस ग्लोइंग और ब्राइट स्किन देता है। तो इन तीनों को अच्छे से मैं ग्राइंड कर ली हूँ, एक बाउल के अंदर निकाल ली हूँ, और उसके बाद जो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वो ऐड कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी मैं ऐड कर रही हूँ आपको तकरीबन 2 स्पून के करीब में, सबको आपको मिक्स करना है, और उसके बाद साफ़ सुथरे फेस और नेक के ऊपर आपको लगा लेना है। अच्छा, क्योंकि ग्रीन टी है तो अगर आप अंडर आई लगाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि एकदम आराम से संभाल के आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। हफ्ते में 3 बार इस पैक का इस्तेमाल करना है। 20 मिनट तक आपको अपने चेहरे के ऊपर रखना है और उसके बाद फेस को कर देना है वॉश। आप देखोगे धीरे धीरे आपके चेहरे से है ना, आपके चेहरे से दाग धब्बे तो कम ही हो गए, फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर भी काम करता है, अनइवन स्किन टोन को इवन टोन बनाता है, तो सुपर से भी ऊपर वाला है। आई होप कि मेरा वीडियो आप एंजॉय करोगे। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।